अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं हसन बर्ड चैनल। मैं 2 से 3 दिन के लिए थोड़ा सा बिज़ी था, जिसकी वजह से मैंने अपने 2 से 3 दिन कोई वीडियो बनाई नहीं अपने व्यूअर्स के लिए। लेकिन मैं आज एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं। हर किसी जो भी परिंदे रखता है, अपने पास पालता है, उसके पास ये प्रॉब्लम और ये मसले तो लाजमी आते हैं। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे कि ये मेरे बराबर में भी पट्टे हैं, इस वाली गेज में भी पट्टे हैं और ये बीच वाला जो गेज है हमारा खाली है। लेकिन ये बेसिकली खाली नहीं है, यहाँ पे मैंने एक मादा को रखा है। उस मादा का मैं अभी आपको पूरा ओवरव्यू भी दिखाऊंगा और मसला भी बताऊंगा। मैं जिस जो मेरा टॉपिक है आज का, वो ये है कि हम जब अपने मादा से हम जब अपने बजरी पैरोट से पेयर से हम जब अपनी ब्रीडिंग ले लेते हैं, तकरीबन हम कोई 6 से 7 ब्रीडिंग के बाद मादा थोड़ी सी वीकनेस में आ जाती है। अच्छा, फिर भी अगर हम उसको यूज़ करते रहें, हम उसको रिप्लेस ना करें, तो मसला यहाँ पे ये आता है कि एक टाइम आता है कि मादा अंडे देना बंद कर देती है। अंडे देती है, लेकिन उसमें वो चीज़ वो सख्त नहीं रहती जो नए बर्ड्स के अंदर रहती है। अच्छा, ये मैं ऐसी ही मेरे पास एक मादा है, मैं आपको दिखाऊंगा, जिसने माशाल्लाह मेरे पास बहुत अच्छी ब्रीडिंग करी, बहुत ज़बरदस्त ब्रीडिंग करी, बहुत अच्छे पट्टे निकाले। लेकिन अब उससे मैंने बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग ली, उस टाइम मैं बहुत नया था, मेरे को इतना ज़्यादा पता भी नहीं था और ये कि मेरा बर्ड्स बेचने का दिल भी नहीं करता। तो देन मैंने ये किया कि उसको उससे ब्रीडिंग लेते रहा, उसको रखा अपने पास उस जोड़े को। तो अभी मेरे पास उसका नर तो बिल्कुल माशाल्लाह से सेट है, लेकिन मादा बिल्कुल फारिग हो गई है। मादा फारिग होने से मुराद ये है कि अब वो बिल्कुल भी उस कैपेबिलिटी के अंडे नहीं देती। या तो आप कैल्शियम की कमी कह लें या कुछ उसको कह लें कि बुढ़ी हो गई वो मादा, लेकिन वो जिस तरीके से पहले कारकर्दगी करती थी अब वो नहीं करती। मतलब अब वो अंडे तो देती है, लेकिन उसके ना अंडे हैच होते हैं और ना ही अंडे में वो सख्त वो ताकत है। चले, मैं आपको दिखाता हूँ उस मादा के लिए। आपने इतनी देर से देखा होगा कि वो बैठी नहीं है, बिल्कुल भी दिखी भी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो व्यूअर्स ये है वो मादा जिसके बारे में मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा था। देखने में आपको बिल्कुल ओके लगेगी, सही लगेगी। माशाल्लाह इसने मेरे पास ब्रीडिंग भी अच्छी करी है, बहुत ज़्यादा अच्छी करी है। और ये देखें, देखने में बिल्कुल अच्छी है, ज़बरदस्त है, सही है और कहीं से आपको डिफेक्टेड नहीं लगेगी। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि इसने इतनी ज़्यादा ब्रीडिंग कर दी है कि वैसे अब ब्रीडिंग प्रोसेस से ये फारिग हो चुकी है। बस ऐसा इसको आपको रखना है तो रखें, वरना आपको इसको करना है आगे बढ़ाना है तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसको आगे बढ़ाने से मुराद किसी को धोखा देना नहीं, आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास मसला यहाँ पे ये है कि जब ये अंडे तो देती है बगैर नर के, मैंने इसको तकरीबन महीना हो गया कोई, मैंने इसको इसमें अलग गेज के अंदर रखा हुआ है ताकि ये बस आराम से खा पी सके और अपने मज़े कर सके। फिर भी ये अंडे देती है, मैं आपको दिखाता हूँ वो अंडे का हाल जो ये अंडे देती है। ये देखें, ये अंडा बताया तो आपको बिल्कुल वैसा लग रहा होगा, लेकिन इसकी जो झिल्ली है आप इसको ज़रा सही से देखें। ये देखें, इसकी जो झिल्ली है बिल्कुल ही झिल्ली की तरह है। इसका जो वाइट वाला एग वो होता है, लेयर होती है, वो बिल्कुल ही झिल्ली है छोटी सी। जिस तरीके से अंडा के ऊपर जब ये बैठती है या फिर गिरता है अंडा, तो फौरन ही टूट जाता है। तो जो भी हमारे दोस्त इस बर्ड्स को पालते हैं, देखते हैं, रखते हैं, तो उनके लिए ये एक उनको तो पता होगा, लेकिन ये जो हमारे पास नए आने वाले व्यूवर्स हैं, नए सीखने वाले हैं, जो नए रखते हैं बर्ड्स, उनको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो ये उनके लिए एक गाइडलाइन थी, ताकि बाद में कभी इनके साथ अगर इस तरीके से कोई चीज़ पेश आए तो वो कन्फ्यूज़ ना हो, कोई मसले में ना आए। चलें, आज का टॉपिक यही था दोस्त। उम्मीद है आप लोग ख्याल करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।